आज हम सीखते हैं कैसे वाइल्ड फ्लाई जो आपका सर्वर है या जेबॉस सर्वर उसको कैसे एक्लिप्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम एक्लिप्स ऑन करते हैं। ये वर्क स्पेस मांग रहे हैं कहाँ पर आपको एप्लीकेशन बनानी है। मैंने ई ड्राइव में माई वर्क के अंदर एक फोल्डर माई वर्क नाम का फोल्डर बनाया, उसमें मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अभी न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। अगर इस लिस्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलता डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, आप अदर्स में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम लिया मैंने ऐप 101 सपोज। अभी पूछ रहा रन टाइम इन्वायरमेंट, अभी मेरा कोई भी इन्वायरमेंट सेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं न्यू इन्वायरमेंट, मतलब कौन सा चलाना है आपको। इसमें हमें अपैचे तो चलाना नहीं, अपैचे तो हम प्रैक्टिस कर चुके, अब हम इसको देखना है जेबॉस को इंस्टॉल करना है। तो वाइल्ड फ्लाई जेबॉस, जेबॉस और वाइल्ड फ्लाई एक ही है, नाम चेंज हो गया इसका, वाइल्ड फ्लाई हो गया जेबॉस का। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा सा आपके डेटा फैच करेगा इंटरनेट से। ठीक है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको इंस्टॉलेशन के लिए, इसको फैच करने दो, इट विल टेक 5 to 6 मिनट, वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ही हमसे एग्रीमेंट टिक कराएगा। ओके, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, फिनिश। जैसे आप फिनिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बॉटम में देखें इंस्टॉलेशन चल रहा है इसका, जब तक 100% नहीं होता आपको वेट करना होगा। ठीक है, इसको वेट करते हैं जब तक आपका 100% नहीं होता। ठीक है, चल रहा है हमारा 11%, 12%, 13%, ये 100% तक चलेगा। 49%, आपके सामने एक मैसेज आया, वार्निंग यू आर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर दैट कंटेन अनसाइंड कंटेंट, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे इंस्टॉल एनीवेयर। ठीक है, ये हमारी विंडो की कुछ सिक्योरिटी होता है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ही हमसे पासवर्ड मांगे जब हम इसको रन कराएंगे, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको इंस्टॉल एनीवेयर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आगे कंटिन्यू चल गया है 100% की ओर। ठीक है, इंस्टॉलिंग जेबॉस 100% हो रहा है, वेट करो। ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट एक्लिप्स आईडी, अगर आप इसको रिस्टार्ट करते हैं तो जो भी इंस्टॉल हुआ है आपके एक्लिप्स में वो चेंजेस आ जाएंगे। इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल रिस्टार्ट हो जाएगा। ये ओपन हो गया आपका, इसको क्लोज करते हैं। विल यू अलाउ टू जे टीम, यस, इसको यस कर देते हैं, क्लिक। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट लेते हैं स्टार्टिंग से। ये मैंने लिया ऐप 101 सपोज, है ना। अब रन टाइम इन्वायरमेंट सेट करेंगे यहाँ से न्यू। अब ये हमारे वाइल्ड लाइफ के इतने सारे वर्जन अवेलेबल है, ठीक है, जेबॉस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। आपका 7.1 वर्जन तक तो था ये जेबॉस, उसके बाद 8 वर्जन में ये हो गया वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फ्लाई सॉरी। ठीक है, हमारा जो एक्लिप्स है ये 18 है, 1809, तो इसमें हम 14 या अबव वर्जन यूज करेंगे। हम एक्लिप्स 15 भी यूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं 18, 19, ये सबको सपोर्ट करेगा आपका। तो नेक्स्ट करते हैं, ये वाइल्ड फ्लाई 15.0 रन टाइम, ये हमारा सर्वर है,
अब ये पूछ रहा है कि इस सर्वर को अपने कंप्यूटर में कहाँ इंस्टॉल करोगे। तो ये डाउनलोड इंस्टॉल करना है, ब्राउज करते हैं इसको, ब्राउज हम इसको ड्राइव देते हैं सी, सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, सेलेक्ट, ये सी ड्राइव में हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको फोल्डर देना पड़ेगा। यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं वाइल्ड लाइफ के नाम से, वाइल्ड फ्लाई के नाम से एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका नेम यही देते हैं, वर्ल्ड फ्लाई। इसका नेम चेंज करते हैं, जब हमने भी फोल्डर लिया था ना वर्ल्ड फ्लाई के नाम से, इसको रीनेम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, यही रख देते हैं। वाइल्ड फ्लाई 15.0 रन टाइम। ठीक है, ये नाम देते हैं इसको, सेलेक्ट, ये हो गया। ये हाईलाइट नहीं हुआ आपका, एक मिनट, देखो हमें करना क्या है, अब इसको छोड़ देते हैं होम डायरेक्टरी को। अभी पहले हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए हम ये करते हैं 15। ठीक है, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द लेसन्स, नेक्स्ट। अब इसको डाउनलोड फोल्डर देते हैं, आपको कहाँ पर सेव करना है, मैं इसको ब्राउज कर देता हूँ, इसको देते हैं डायरेक्टली हम सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में देते हैं, और ये सॉफ्टवेयर है इसको भी कहाँ पर डाउनलोड करते हैं, इसको हम सपोज डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, ये तो फोल्डर होगा जहाँ पर आपका वर्ल्ड फ्लाई 15 डाउनलोड होगा, ये इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉलेशन आ गया हमारा, फिनिश किया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, इसे देखते रहें। उसके बाद हमें होम डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये हमारा 172 MB का एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल हो जाने दो। अगर आपको 14 वर्जन करना है वाइल्ड फ्लाई 14, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर यही अप्लाई होगा आपका, इसको डाउनलोड हो जाने दे। ये डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग हो रही है, आपको हो गया कुछ नहीं प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाली है आपकी। इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है,
इंस्टॉल हो गया आपका। अब ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने सी ड्राइव में किया था, इसने फोल्डर उठा लिया, यहाँ से हम कर देते हैं फिनिशर। ठीक है, सर्वर डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी हमारी स्टैंड अलोन एक डायरेक्टरी बनती है, उसमें आपकी सारी एप्लीकेशन जाएगी स्टैंड अलोन। ठीक है, इसको सेविंग करते हैं, ये हो गया। अब हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट में कौन सा आ गया, अब आपकी जो ऐप 101 है या वाइल्ड लाइफ 15 पॉइंट, इसमें रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन रेडी है, इसमें हम एक इसको रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें वेब कंटेंट के अंदर हम एक एक्सएमएल फाइल लेते हैं या सॉरी जीएसपी फाइल लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इस फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, सपोज इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं जेएसपी एचटीएमएल 4.01, कोई भी सेलेक्ट कर लो, ये आ गया आपका। अब इसके अंदर हम एक टैग लेते हैं, सपोज H1 है ना, इस पर लिख देते हैं वाइल्ड फ्लाई, समझ रहे हैं, ये इस पर एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर देखो नो सर्वर आर अवेलेबल, तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर अभी हमने जो सर्वर इंस्टॉल किया था कौन सा था, 15, नेक्स्ट है ना, यहाँ पर लोकल फाइल सिस्टम सेल ये सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है इसको रन करना है ना, फिनिश करते हैं। ये आपका जेबो सर्वर अभी स्टार्ट हो जाएगा एक मिनट। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, मैंने बताया था ना इसको जब हमने एक मैसेज आता है इंस्टॉल एनीवेयर। ठीक है, अब इसको आपको ये देखना पड़ेगा आपके यूजर नेम और पासवर्ड क्या है आपके विंडो सिक्योरिटी के अंदर। जब तक आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक आप इस एप्लीकेशन को रन नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैं इसकी सेटिंग बताऊंगा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है आपका। अब इस एरर को सोल्व करते हैं, ये क्यों आई है हमारे पास, एरर नहीं ये एक सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है, इसको कैसे चेंज करें। ठीक है, ये हमारा जो पोर्ट नंबर 8080 है, ये है ना हमारा जो हमने अभी इंस्टॉल किया था पिछले कुछ ही दिन पहले ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो उसका पोर्ट नंबर होता है 8080 होता है ना, वो उसके लिए रिजर्व है, तो हमें वो पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसे चेंज करने पर आपका क्या होगा, ये सिक्योरिटी नहीं मांगेगा फिर आपका, देखते हैं कैसे। इसको क्लोज किया, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओ सर्वर पे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यह वाइल्ड फ्लाई सर्वर मैंने अभी इंस्टॉल करना बताया था, इसमें आप जाओगे एग्जाम्पल फाइल में। ठीक है, पोर्ट नंबर यहाँ पर एक है ऑफसेट, इस ऑफसेट की वैल्यू चेंज कर दो। ऑफसेट क्या होता है, 8080 है सपोज हमारा पोर्ट नंबर, ऑफसेट की वैल्यू 0 है, 0 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि अब भी 8080 ही है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 100 कर देता हूँ तो ये पोर्ट नंबर हो जाएगा 8180, पोर्ट नंबर हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, तो आपका ये जो इशू आ रहा था यूजर नेम पासवर्ड वाला ये सोल्व हो जाएगा। तो आपको करना कहाँ पे, अब एक ऑप्शन आया होगा तुम्हारा इसमें ऑफसेट का, ऑफसेट का ऑप्शन देखो किधर है, उसको चेंज करना है। एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा करता हूँ, क्लोज किया, दोबारा ओपन करते हैं, ये आ गया हमारा। अब इसमें हम देखते हैं ऑफसेट कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर चेक करो, ठीक है।
वेट हाँ यहाँ पर है हमारा लास्ट में बिल्कुल ऑफसेट। ये ऑफसेट की वैल्यू कितनी कर लेते हैं 1 0। तो ये आपके जो भी पोर्ट जो पोर्ट नंबर है 8080 जिसमें आपका रन होगा उसमें ऐड हो जाएगा ऑफसेट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगेन इसको स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं, आपका जो सर्वर है इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ मैं। आई थिंक इट इज ऑलरेडी स्टॉप्ड। राइट क्लिक किया, स्टॉप कर देते हैं इसको। ठीक है, ये स्टॉप हो गया। अब रिस्टार्ट करके से दोबारा चलाते हैं इक्लिप्स को। ओके, कोई बात नहीं, इसको मैं क्लोज करके दोबारा ऑन करता हूँ एग्जिट। अब दोबारा इसको ऑन किया इक्लिप्स को, हमारा शट डाउन हो गया वाइल्ड लाइफ। अब वो जो इशू आ रहा था वो सोल्व हो जाएगा आपका, है ना, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। इसको चेंज कर लेते हैं, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा चेंज रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं एक्सएमएल फाइल के अंदर। पोर्ट नंबर आया, ऑफसेट 100 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, हमारी जो ओके ऐप है इस पेज को एग्जीक्यूट कराते हैं। स्टार्टिंग वाइल्ड फ्लाई सर्वर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, होम कैट में सब ब्लैक, उसमें वाइट, उसमें सॉरी रेड कलर में आता है, इसमें ब्लैक कलर में आता है सारा। वेट करें, ये आपका इंटरनल वेब ब्राउजर खुल गया है। इसमें जो पोर्ट नंबर देखो अब क्या आया आपका 8180, ऑफसेट 100 जुड़ के आ गया आपका, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस अपने ये इस टाइम इंटरनल